सबसे सस्ती होटल मक्का के अंदर भाई 400 रुपए में आपको इस तरह के रूम्स मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जैसी नमाज का टाइम होता है तो भाई पूरा मार्केट सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और लोग बिना ताले डाल के दुकानें बंद करके चले आते हैं। पटाखा कबाब खुल चुका है भाई यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं हरम शरीफ के पास, एक खास मार्केट है जिसका नाम है मिसफलाह मार्केट, जो कि हरम शरीफ से काफ़ी करीब है और जहां पर आपको हर तरह का सामान हर चीज़ मिल जाएगी, वो भी मुनासिब रेट पर। मक्का टावर है इस तरफ और इस तरफ है क्लॉक टावर, इसके बीच में से रास्ता जा रहा है जिस रास्ते का नाम है, तुम्हारा तो दूसरी बार है ना, रास्ते का नाम पूछ रहे हो आप, यह है शारे हिजरा। शारे हिजरा सामने से हम चल कर आए यहाँ पर, ये देखिए ब्रिज, ये ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ जाना है अभी हमको मार्केट के। और ये जो है ना, ये पूरी बिल्डिंग एक पहाड़ के ऊपर बनी है, पहाड़ का नाम है जबल उमर। और अभी हम देखो यहाँ पर मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ पर क्राउड देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए कितनी सारी लाइन से दुकान है, यहाँ पर हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर वहाँ सामने कपड़ों की दुकानें हैं, यहाँ पर जुब्बों की दुकानें, यहाँ खजूरों की दुकानें, यहाँ पर एसेसरीज की दुकानें हैं, यहाँ पर बैग्स की दुकानें हैं, खाने का सामान लेना हो, पहनने का सामान लेना हो, सारा सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस रोड पे आने के बाद हमें थोड़ा लग रहा है कि हम दिल्ली या फिर अपने इंडिया साइड के मार्केट के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर जो क्राउड हमें नजर आ रहा है ना, हमारे उस तरफ के एरिया के ही ज्यादा क्राउड है। हम दूसरी बार आए भाई, ये दूसरी बार का कॉन्सेप्ट, दूसरी बार आमिर भाई कर रहे हैं मुझे परेशान, मुझसे जबरदस्ती की चीजें पूछ के, तो मैं उनसे कह देता हूँ कि हाँ ठीक है, मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना ये प्लेन में बैठने की, घर वालों को वीडियो दिखाने की, वो दूसरी बार है भाई। मैं ये फंस गया, लपेट। दोस्तों अब वक्त आ चुका है आप लोगों को वो चीज़ बताने के लिए जिसके लिए आप अभी तक वीडियो देखते आ रहे हैं। सबसे सस्ती होटल मक्का के अंदर कहाँ पर है, अगर आप लोग खुद से वीज़ा करके आते हो मक्का या उमरा करने के लिए, तो अगर आप इसी लोकेशन ढूंढ रहे हो तो वो जगह ये हम आपको बता देते हैं। पहला टिप ऑफ द डे ये है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको सेव कर लें, दोस्तों को भेजें, अगर आप खुद भी वीज़ा करके आना चाहते हो, टिकट जिनका बजट 35-40 हज़ार रुपये में जो उमरा करना चाहते हैं, नौजवान लड़के, देखो यहाँ पर क्या है, गन्ने वाली गली है, ये अपन रोड से सीधे अंदर है मिसफलाह मार्केट में, यहाँ गन्ने वाली गली के अंदर आपको जो रूम्स है वो मिल जाएंगे मात्र 300 रुपए पर पर्सन पर हेड। गली का नाम है गन्ने वाली गली। मुफ्ती सलमान साहब से हमने पूछा तो ये वाले पैकेजेस भी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, तो बर्रा ट्रैवल से आप जल्दी से अपना सफर करें, जो भी आपका बजट हो इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपका उम्रा कबूल फरमाए और हमारा भी उम्रा कबूल फरमाए। ये नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं फ्री में। ये देखिए सामने है क्लॉक टावर और ये रही वो गली जिस गली की हम बात कर रहे थे आपके लिए। इस गली का नाम गन्ने वाली गली है, तो जरूर इसके अंदर कोई ना कोई गन्ने की जूस की दुकान भी होगी, तो चलो अपन टेस्ट भी करेंगे गन्ने का जूस। तो रियाले तुम्हारे बस। तो भाई ये देखो गली में आ चुके हम यहाँ पे, और यहाँ पर आप देखिए दुकाने, तो भाई यहाँ पर हम आ गए एक दुकान पे, यहाँ पर देखिए गन्ने रखे हुए हैं यहाँ पर दुकान के अंदर। कितना रियाल? 5 रियाल का एक, 50-50 का एक, 5 रियाल 100 रुपए भाई, फकीरी है भाई, एक गिलास दे रहे हैं। तो देखो भाई अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं 5 रियाल में एक गिलास। भाई बिना बर्फ का है ना माशाल्लाह। भैया ये फ्री के आ गए, बता तो दिखा दो वीडियो में, ये पीछे आ गए फ्री, आपको अब तो फ्री में ही पी के जाऊंगा भाई। आपको बुलाया किसने तो गर्मी में ठंडा ठंडा मजा आ रहा है, गन्ने वाली गली से आगे साइड में आए तो यहाँ पर हम एक होटल पे चल के रेट पता करते हैं भाई कितने का क्या रूम है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कंफर्म। तो अभी हम आ गए यहाँ पर, देखिए जना अल मिसफलाह होटल भाई, जरा सा आइडिया लेना था कितने का रूम है अपने पास। 90 रियाल में कितने लोग आ जाते हैं उसके अंदर, पूरा भी कितने बेड, हाँ पूरा मतलब 5 से 6 बेड आ जाएंगे उसके अंदर, सीधे जाना है तो कोई बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इस होटल में आने के बाद इस तरह का रूम है जो कि अभी कम बजट में हमने निकाल के दिखाया आप लोगों को, कंफर्टेबल है जो बजट वालों के लिए। अगर आप बजट की बात करो तो जैसे अगर आप 90 रियाल के हिसाब से 5-6 लोगों में डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, लगभग 400 रुपए पर है, 400 रुपए एक बंदे पे। तो भाई 400 रुपए में आपको इस टाइप का एक बंदे के हिसाब से अगर आप शेयरिंग करोगे तो आपको 400 रुपए के हिसाब से इस तरह के रूम्स मिल जाएंगे। चलो भाई ये था होटल आप लोगों को कम बजट हमने दिखाया,
तो दोस्तों इस तरीके से आपको आसपास ढेर सारी होटलें मिल जाएंगी। इस लाइन में आप देखेंगे यहाँ से लेके वहां तक काफी सारी होटलें हैं जो कि इसी बजट में आपको मिलेंगी, 20 रियाल, 15 रियाल, 10 रियाल। स्मार्ट वॉच, ये देखो जूते, जूते की पूरी दुकान है यहाँ पे, जूते आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। कुछ एसेसरीज मार्केट, ये देखो लाइटें बंद होना शुरू, ये देखिए भाई दुकानें बंद होना शुरू हो गई हैं क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है अभी। जैसी दुकान, जैसी नमाज का टाइम होता है तो सारी दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। ये दुकानें बंद होना शुरू, ये पूरे लाइटें बंद, ये लाइट बंद, ये देखिए सारी दुकानें यहाँ पे बंद हो गई हैं और पूरा मार्केट बंद हो रहा है अभी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जैसी नमाज का टाइम होता है तो भाई पूरा मार्केट, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और लोग बिना ताले डाल के दुकानें बंद करके चले आते हैं और फिर नमाज के बाद वापस ओपन हो जाएंगे। ये देख रहा है आप, ये मार्केट आपको देखकर ऐसे लग रहा होगा पूरा मार्केट बंद हो चुका है। नहीं साहब, अभी तो मार्केट 5 घंटे और चलने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ अजान हुई है तो जिसके वजह से पूरी दुकानें बंद हो गई हैं और जैसी अभी नमाज हो जाएगी उसका पूरा मार्केट फिर से ओपन हो जाएगा। ये खासियत है यहाँ की सऊदी की। चांद नज़र आ रहा है माशाल्लाह। ये पाकिस्तानी लाहौर होटल, अल बगदादी होटल, तो दोस्तों अभी हम लोग होटल पे आ चुके हैं और अभी ईशा के बाद खाना स्टार्ट होगा यहाँ पर, तो आज देखते हैं भाई क्या होगा खाने में। इससे रोज़ाना कुछ ना कुछ अलग होता है यहाँ पे। चावल, आलू की सब्जी, बकरे का, ताज़े बकरे का सारा, और ये रहा चिकन चिली, इसमें आग लगाना है, फिर पटाखा कबाब, थोड़ा सा मुझे डाल दिए लच्छा सा कलर, बस 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 प्लेट टूट गई मेरे भाई। यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ ढेर सारे तरबूज और साथ में यहाँ पर पटाखा कबाब और ये और कुछ ग्रेवी। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही तो भाई तरबूज आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो भाई आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना है बर्रा ट्रेवल्स की तरफ से, आप देख सकते हैं चिली चिकन है मेरे पास, राइस है, टोटल डाइट का खाना है। पटाखा कबाब खुल चुका है भाई यहाँ पे, ये कैसा कबाब है, कबाब की पोड़ियाँ बना दी है और खुशबू बिल्कुल ताजे कबाब की आ रही है। दुम्बे का कीमा है, लाजवाब।